मोमा सर में डकैती के मामले के अंदर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लगातार पुलिस की जो टीम है सर्च अभियान चला रही है, उसके बाद ही देर रात 3 जो बदमाश हैं और पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। क्या कुछ टीम कर रही है और किस तरीके से जो नाकाबंदी है वो की जा रही है? हमारे साथ में पुलिस अधिकारी भी हैं, रामचंद्र मून जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार अभियान चलाया जा रहा है, घटना के बाद में पुलिस भी सतर्क देखने को मिली और ये टीम का जो एक एक्शन प्लान ही था कि जिसमें जो 3 जो बदमाश है वो भी पकड़े गए। 3 जने पकड़े गए हैं, ये विजय, रविंदर, सुनील उर्फ अनिल, और 4 अभी पकड़े जाने बाकी हैं। तो क्या कुछ अभी घटनाक्रम चल रहा है, कहाँ से इनको पकड़ा गया है, इनसे जो अभी तक जो लूट का जो सामान था वो भी बरामद कर लिया गया? हाँ, उनको ढूंढ रहे हैं अभी, भीड़ में और भीड़ के आसपास का जो भी इलाका है चारों तरफ से कोर्डन कर रखा है और सर्च अभियान हमारा कंटिन्यू है अभी, और उम्मीद है कि हम पकड़ लेंगे बाकी बच्चों को भी। तो सर, अभी ये जो बदमाश हैं ये आतंक कोई अपराधी हैं या इनकी भी कोई हिस्ट्री सिस्टर है कहीं के, कुछ खुलासा हो पाया इनका भी? ये सारे पेशेवर संपत्ति संबंधी अपराधी है जिनका काम डकैती लूट यही करना है। तो सर, अब मामले के अंदर कितने जो आरोपी हैं और बाकी रह गए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, IG भी खुद यहाँ पर मौजूद थे, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, अभी भी अभियान चल रहा है सर भीड़ के अंदर? हाँ बिल्कुल चल रहा है, अभी 4 आरोपी और बाकी हैं जिनके नाम है वो अभी तक आइडेंटिफाई हुए नहीं है, क्योंकि जिनको पकड़ा गया है वो लोग नाम बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये शायद है तो आतंक अपराधी और इनके खिलाफ भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन उनके साथ ये इन्होंने अभी शायद फर्स्ट टाइम करी है वारदात, और इनकी ये मोडस ऑपरेंडी भी रहती है कि ये अनजान लोगों को साथ में रख करके और फिर करते हैं ताकि पकड़े भी जाए तो नाम नहीं बता पाए। तो सर, इनके अभी कोई इनसे कोई हथियार और भी बरामद हुआ है 3 आरोपियों में से किसी के पास से? अभी हथियार उत्यार के संबंध में तो आपको बाद में बताएंगे, अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पूरी बात हम नहीं बता सकते फाइल के अंदर की, बाकी आपके लायक जो जानकारी है वो आपको बता दी। सर, सबसे बड़ा एक अहम जो रोल होता है वो आम जनता का होता है, जनता ग्रामीण भी इस बार आपको पुलिस से हमेशा कहती है कि आम जन में विश्वास रहना चाहिए, और वो विश्वास देखने को मिला क्योंकि ग्रामीणों का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पर मिला और पुलिस को भी काफी सपोर्ट मिला इसमें। हाँ, इसमें तो क्या ग्रामीण क्या शहरी, ये शेखावाटी की परंपरा ही रही है कि ये अपराधियों के खिलाफ हमेशा एकजुट रहते हैं और पुलिस को जब जरूरत पड़ती है तो आगे बढ़ करके सहयोग करते हैं, ये जैसा हमेशा करते आए हैं। इसमें भी हमारे साथ पूरा गांव लगा हुआ है, पूरा इलाका लगा हुआ है, और जब से ये घटना हुई है तब से लेकर के अभी तक कंटिन्यू हमारे साथ।